डियर फ्रेंड्स, दिस इज निशांत रस्तोगी एंड यू आर वॉचिंग CNRI। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस वाह कक्षक संकुल है। पहला दिया है NiCN होल 4 2 माइनस, फिर FeCN होल 6 4 माइनस, फिर ZnH3 होल 6 2 प्लस, एंड ऑल ऑफ दीज सारे के सारे। तो सबसे पहले तो हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को समझें क्या मतलब क्या होता है। देखो ये होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D हो गया, इसके बाद में 4S हो गया, फिर 4P हो गया, फिर 4D हो गया। अब मान लो आपने क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन किया, और वो हाइब्रिडाइजेशन है D2SP3, और एक हाइब्रिडाइजेशन की पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये SP3D2 है। तो यहाँ पर आउटर डी है, ये डी कौन सा है, आउटर डी है। तो अगर आउटर डी इन्वॉल्व हो गया तो ये हो गया क्या, ये हो गया आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और अगर इनर डी इन्वॉल्व हो गया, ये इनर डी है, तो ये इनर डी है इन्वॉल्व हो गया, तो ये हो जाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। अब जरा एक बात समझो कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो होता है वो कैसे बनेगा। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स दो कंडीशन में बनेगा, या तो आपका मेटल है, उसके सारे के सारे ऑर्बिटल जो हैं, जितने जितने ऑर्बिटल हैं उन सब में इलेक्ट्रॉन हो। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो, या फिर अनपेयर्ड हो, बात समझ आई ना, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो या फिर अनपेयर्ड हो, बट सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं हो, सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, और ये भी केस कहाँ पर नहीं होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में ऐसा होता है कि वो क्या करता है, ट्रांसफ्रेंस करता है, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन को जंप करा देता है अगले ऑर्बिटल में, बस में, तो उस केस में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर आप देखो तो साइनाइड जो है वो कैसा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यहाँ पर साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अमोनिया कैसा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करने का काम करेंगे, और जब ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करने का काम करेंगे तो उस केस में ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो लोअर ऑर्बिटल में ही पेयर अप हो जाएंगे, और उसकी वजह से जैसे 3D वाला ऑर्बिटल है तो अब ये दोनों खाली हो गए, तो अब ये D2SP3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन अब जिंक के बारे में ज़रा सोचो, तो जिंक के बारे में अगर आप सोचोगे तो ZN पे चार्ज क्या है, +2, ZN के पास चार्ज क्या है, +2, तो ये हो जाएगा आर्गन के बाद में हो जाएगा 3D10 और 4S0, क्योंकि इसके दो इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब इसका 3D ऑर्बिटल तो भरा है, तो 4P इन्वॉल्व होगा, 4D इन्वॉल्व होगा, बात समझ आई ना, समझो ना कि 4P इन्वॉल्व होगा और यहाँ पर क्या होगा, 4D इन्वॉल्व होगा, तो आउटर डी इन्वॉल्व हो गया ना, इनर डी तो पूरा भरा है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, आउटर डी में इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसकी वजह से ये कैसा हो जाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, बात समझ आई ना। तो अब आपको एक बात समझ आ गई कि आंसर यहाँ पर थर्ड जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। निकल के केस में आप देख लो तो +4 है, यहाँ पर +4 चार्ज है, तो इसका मतलब और ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो इसमें भी इनर डी SP2 हाइब्रिडाइजेशन आप बोलोगे और ये इनर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर आप हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलोगे, D2SP3, और D2SP3 के केस में डी जो है वो कैसा है, इनर इन्वॉल्व हो गया, इसलिए ये भी इनर हो गया, बट यहाँ पर आप SP3D2 बनाओगे, और SP3D2 बनने की वजह से ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को शो करेगा, और ये आंसर करेक्ट हो जाएगा।